कल मैं अपनी छोटी बहन को टीसी स्कूल से टीसी दिलवाने जा रहा था, मैं टीसी स्कूल में नहीं मिल पाई। हम स्कूल से वापस रास्ते में आ रहे अपने घर की साइड, दो लड़के हमारे बीच गली में से पीछे लगे, उन्होंने हमारे पीछे आगे पीछे बाइक चलाई। मैंने उनसे बोला कि या तो बाइक को पीछे चलाओ या आगे चलाओ, एक साइड चलाओ, ऐसे मत चलाओ। उन्होंने बाइक रोक के मुझसे ये कहा कि तुझसे हम कुछ कह रहे हैं, तू जो चला जा। और यहाँ से धमकी देकर मुझे कि तुम हमारे से बाहर न जा पाने का है। और ऐसी करते मैं चुप आ गया। जब आगे जाके मैं अपने घर के ताऊ जी के घर के बाहर रुका, वहाँ रुक कर उन्होंने मेरे पीछे और मेरी मेरे बाइक के पीछे मेरी सिस्टर बैठी थी, उसकी छुट्टियाँ पकड़ के उसके कपड़े वपड़े पकड़ कर खींच के उसको धक्का दे के और उसके चांटा मार के मेरे से एक लड़का मुझसे चिपट गया और दूसरे लड़का उससे चिपट कर और रोड लोहे की रोड लेकर उसने मेरे टांग पर मारी, मेरे साथ मारा पीटी करी और क्या नाम है भग गई गाली गुप्तार कर करके। अच्छा क्यों, क्या हुआ, क्या वजह थी? वो पीछे मेरी बहन के सिस्टर जैसे हम बाइक पर आ रहे थे उसको देख करके पीछे लग गए, उसी चक्कर में आए आगे पीछे। मैंने कहा कि आप आगे पीछे क्यों आ रहे हो, इसी चक्कर में उन्होंने बदमाशी दिखानी चाहिए मुझे। अच्छा, किस बाइक पर थे? मैं अपनी होंडा शाइन बाइक पे था। वो किस बाइक? वो बुलेट बाइक पर थे दो लड़के। अच्छा, क्या कपड़े वपड़े बांध रखे थे मुंह पे ऐसे? नहीं नहीं, ऐसे आए थे मेरे पीछे तेज भगाने लगे थे। क्या पहले से परेशान करते? नहीं नहीं, मैं पहली बार आया था मवाने में। ये तो पहली बार आया है यहां, ये तो पहली बार मैं नहीं वहाँ। बाद में भीड़ आई थी फिर वो भग गए थे वहाँ से। अच्छा, आप कौन से जिले के हो? मैं बुलंदशहर जिले का हूँ। अच्छा, फिर बहन ने क्या हुआ, परेशान होकर क्या किया? बहन ने क्या नाम है घर जाकर रोने लगी और उसको सदमा सा लग गया थोड़ा। हाँ। उसको सदमा सदमा लग गया, उसने अपने साथ गलत करने की कोशिश करी, वो सदमे में आ गई, उसके साथ मारपीट की, वो रोने लगी। क्या गलत करने की? क्या खाया उसने, क्या पिया? ऑल आउट भी थी, ऑल आउट ऑल आउट। अच्छा, मतलब इतना परेशान, इतना तनाव जी। उन्होंने उसको इतनी बुरी तरीके से पकड़ के बाइक से खींचा हमारे पीछे, इतनी बदतमीजी करी बहुत ज़्यादा। अच्छा, दो लड़के, और मुझे धमकी भी दी थी कि तुम मवाने से बाहर निकल के दिखाइयो। जब मैंने उनको रोका कि तुम मेरी सिस्टर के साथ क्या कर रहे हो, हर भाई करेगा जब कोई उसकी सिस्टर के साथ करेगा। हाँ। तो मैंने आवाज़ उठाई तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट चालू कर दी थी। अच्छा, आपके साथ जी? कोई नहीं आया मदद के लिए? नहीं, जब भीड़ हो गई थी फिर वो भग गई थी इतनी। रक्षाबंधन जी, मैं अपनी दादी जी को लेकर आया था रक्षाबंधन का त्यौहार देने अपने चाचा जी के ताऊ जी के घर पर। दो 2021 में भी ये वाला मैटर हुआ था। ये दो लड़के थे, दोनों के दोनों ही ये घर से पीछे लग गए थे चाचा के। 16 तारीख की बात है, 11 महीने की। तो इन्होंने पूरी बदतमीजी करी, पीटने के हिसाब से गए थे। मैं भी पीछे पीछे गया, इन्होंने हमारे पीछे लड़के छोड़े मारने के लिए। फिर हम घर पर आ गए, फिर मैं घर पर बात करी, थाने में रिपोर्ट करवाई। तो 16 तारीख को रिपोर्ट कराई, 19 तारीख को हमारे चाचा एक्सपायर हो गए थे, उनको अटैक आ गया था इस वजह से। तो फिर हमने मुकदमा यहीं बंद कर दिया था। घबरा के, डर के? हाँ, घबरा के, उनकी तबीयत ख़राब हो गई उनकी। तो उनकी उनको अटैक, क्या हुआ है? अब जो हुआ है, अब बस वे दोबारा परेशान कर रहे हैं, घर के बाहर खड़े रहते हैं 10-10 बजे तक, चौकड़ी बनाते हैं, 4-5 लड़के हैं, ये पता नहीं कौन कौन है। स्कूल जाते तो स्कूल के पीछे आते हैं। हमने श्रीराम में पढ़ती थी पहले, ये श्रीराम से हमने एडमिशन करवा दिया इसका, फिर हमने दूसरे स्कूल में चेंज करवा दिया जिससे परेशान न करे। और हमने इसका स्पिन डेस में करा दिया, जो लड़की लड़कियों का स्कूल होता है वो। अच्छा, कल क्या घटना हुई थी पूरी? कल ये हुई है, स्कूल से आ रही थी भाई के साथ, तो उन्होंने लड़के ने पीछा करा दोबारा, उन्होंने देखा कि सुंदर लड़की है, जो भी उनका पुराना जो भी है परेशान करते हैं, ये बाइक रोकी भाई के साथ, भाई छोटा सा है, छोटा भाई है वो, उसको परेशान करा, बाइक रोकी, बहन के साथ बदतमीजी करी, हाथ वाथ लगाया गलत जगह ऊपर नीचे, फिर उसके बाल पड़ गए, उसे धक्का दे दिया, उसके बहन के सिर में गोला पड़ गया, वो दीवार में जाकर लगी थी। फिर उन्होंने भाई ने जब बचाया तो भाई भाई को मारा उन्होंने, लोहे की रोड से बजाया उसके पैर पे, उसके पैर पर निशान वगैरह भी है। फिर भाई घर पर आ गया, फिर हमने थाने में रिपोर्ट करवाई यहाँ पे आके। रिपोर्ट करवाने के बाद जब बहन घबरा गई तो उसने सोचा ना पहले भी ऐसा हुआ था, अब हमारा तो जीना हराम हो गया, जीने नहीं दे जैसे भी, तो उन्होंने ऑल आउट पी लिया डर के मारे। नोब क्या हो गया? हाँ, अनिल खन्ना हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा अच्छा, योगी जी से कोई मांग करना चाहेंगे? योगी से ही मांग करना चाहूँगा कि इस मैटर को सोच करे, कार्रवाई करवाए और उनको सज़ा मिले अच्छी से अच्छी, जिससे किसी और लड़के साथ ना हो और ऐसा कुछ मुकदमा ना हो किसी के साथ भी। तो क्या डर रहे हैं आप लोग? डर लग रहा है कि आगे कुछ करना दे बदतमीजी, पहले भी हमारे इतनी दिक्कत हो गई है, 2-3 साल पहले चाचा एक्सपायर हो गए, ये मार पिटाई करते हैं, ये लड़के लेकर आते हैं, तो डर भी लगता है कि ये कुछ करना दे बाद में। अच्छा, कौन लोग हैं, दबंग हैं क्या हैं? हाँ, दबंग ही है जी, ये बाजार में घूमते रहते हैं बुलेट बाइक पे। क्या नाम है दोनों? एक का नाम अक्षय रस्तोगी, एक का यश गुप्ता। अच्छा, कौन है, किस परिवार से, कोई राजनीति के रसूख है क्या? हां, थोड़ा राजनीति में है ये, इस लाइन में ये, तो ये थोड़ा बदतमीजी करते हैं बाजार में, घूमते हैं 10-10 बजे, लोग परेशान करते हैं, धमकी देते हैं कि तुझे मार देंगे, अब तो हमें बदमाशी दिखाएगा ये और वो। थाना मवाना में, मवाना कस्बे में एक महिला द्वारा कल थाना मवाना पर सूचना दी गई थी कि उसकी पुत्री जो
हॉस्पिटल की छात्रा थी, वो अपने ममेरे भाई के साथ कॉलेज जा रही थी, जहाँ पर दो युवकों के द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई और विरोध करने पर उसके ममेरे भाई के साथ मारपीट की गई। इस सूचना पर थाना मवाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और दो जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गई हुई हैं और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।